है वीवर, वेलकम टू नेशन बिल्डर। ये वन कनाल मॉडर्न डबल यूनिट हाउस है। इस घर के अकोमोडेशन 3+3 बेडरूम, 3 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे और 3 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे दिए गए हैं। डबल यूनिट हाउस है तो दोनों पोर्शन पे प्रॉपर किचन दिए गए हैं। ये इसका फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल टाइल से डिकोर किया गया है। 50x90 फीट इस घर की डायमेंशन है और ये घर मेन रोड की बैक साइड पे बिल्कुल ही करीब है। 50 फीट वाइड स्ट्रीट रोड है और इस घर की आस्किंग प्राइस 7.5 करोड़ है, जो कि बहुत ही रीज़नेबल डिमांड है। आए अब इस घर का विज़िट करते हैं। ये इसका एक्सटर्नल लॉन है, जिसमें आप देखें तो ब्यूटीफुल प्लांटिंग की गई है, वॉल पे डिज़ाइनिंग की गई है टाइल के साथ और यहाँ पे ग्रास लगाया हुआ है और इसमें इलेक्ट्रिक पोल भी दिया गया है। ये इसका कार रैंप है जिस पे टाइल फ्लोरिंग की गई है। स्लाइडिंग डोर इसका दिया, स्लाइडिंग इसका मेन गेट स्लाइडिंग डोर दिया गया है और ये इसका सामने गैराज जिसमें 4 कार की एक पार्किंग स्पेस दी गई है। पूरे घर में वॉल पे इलेक्ट्रिक फेंस यूज़ की गई है सेफ्टी के लिए और यहाँ पे लैंडस्केपिंग की गई है, स्टोन वर्क किया हुआ है, प्लांटिंग की गई है और टाइल से फ्लोरिंग की गई है। सामने आयत क्रीम आपको नज़र आ रही है, डिसेंट इसमें सीलिंग की गई है। ये इसका गैराज जिसमें 4 कार्स की पार्किंग स्पेस दी गई है। इसके साथ में ही इंटरनल लॉन दिया गया है जिसमें प्लांटिंग की गई है और सामने आप देखें तो वॉल पे बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केपिंग की गई है, स्टोन वर्क किया हुआ है। ये आप वॉल देखें जिस पे टाइल्स फिक्स की गई हैं। आप इसका एलिवेशन देखें तो सारा टाइल से डिज़ाइन किया हुआ है। फ्रंट पे एक टेरेस दिया गया है गैराज के बिल्कुल ही ऊपर और ये इस घर की मेन एंट्रेंस ग्रेनाइट के स्टेप दिए गए हैं। सॉलिड एशवुड का मेन डोर दिया गया है। ये मेन एंट्रेंस लॉबी, लॉबी में खूबसूरत शैंडलियर दिया गया है, डिसेंट सीलिंग की गई है, पोर्ट्रेट अवेजा की गई है। सामने टीवी लॉन्च दिया गया है। मैं आपको इसका लेआउट प्लान बता दूं कि सामने टीवी लॉन्च और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आप देखें तो ये सेपरेट एंट्रेंस दी गई है, फर्स्ट फ्लोर को सेपरेट किया गया है। इसके साथ में स्टेयर के नीचे बॉर्डर रूम दिया गया है, ये टीवी लॉन्च और लॉबी में ही मेरे बैक साइड पे ड्राइंग रूम का डोर दिया गया है और टीवी लॉन के बैक साइड पे 3 बेडरूम दिए गए हैं। तो ये इस घर की स्टेयर्स और सामने आप देखें तो यहाँ पे आपको एक डोर नज़र आ रहा है, ये गली में ओपन होता है। अगर आप इस पोर्शन को रेंट आउट करना चाहते हैं या 2 फैमिली यूनिट रखना चाहते हैं तो ये सेपरेट हो जाएगा। ये इसका बॉर्डर रूम, ब्यूटीफुल वैनिटी और इसमें वॉल माउंटेड कमोड यूज़ किया गया है, वॉल पे टाइल से डिज़ाइनिंग की गई है और ये स्टेयर फर्स्ट फ्लोर से कनेक्ट करती हैं आपको लॉबी में ही। यहाँ पे देखें तो जैसे ही आप घर में इंटर हों ये आपको जो डोर नज़र आ रहा है ये डोर ड्राइंग रूम का है। ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम कंबाइन किए गए हैं। सामने विंडो दी गई है, लैंडस्केपिंग की गई है और ये गार्डन दिया गया है। ये ड्राइंग रूम की वॉल एसी नज़र आ रहा है, लाइट्स दी गई हैं, वॉलपेपर से डिज़ाइनिंग की गई है और सामने इसके डाइनिंग रूम दिया गया है। यहाँ पे आपको कैबिनेट मिलती हैं और एसी भी इंस्टॉल किया गया है और इसके साथ ही ये इसका टीवी लॉन्च। सामने मीडिया वॉल दी गई है, एलईडी फिक्स की गई है, ब्यूटीफुल इसमें डिज़ाइनिंग की गई है, डबल ग्लेज विंडो दी गई है और इसमें स्पेनिश टाइल फ्लोरिंग की गई है, डिसेंट इसमें सीलिंग की गई है, खूबसूरत इसमें शैंडलियर ड्रॉप किया गया है और ये सामने देखें इसका किचन, इंपोर्टेड किचन फिक्स किया गया है, एक्सेसरीज फिक्स की गई हैं, फ्रिज दिया गया है, सामने ब्लाइंडर के साथ विंडो दी गई है और इस साइड पे देखें तो यहाँ पे एक्सेसरीज फिक्स की गई हैं, फ्रिज दिया गया है, इसके साथ में ये शेफ किचन दिया गया है। इसमें भी अच्छी खासी स्टोरेज दी गई है,
सिंक और बर्नर फिक्स किया गया है। इसके अलावा इसकी दोनों साइड से एंट्रेंस दी गई है। ये लॉबी आप देख सकते हैं टीवी लॉन, और सामने आप देखें तो घर की मेन लॉबी भी आपको नज़र आ रही है। और अब देखते हैं इसके बेडरूम। ये लेफ्ट राइट साइड पे दो बेडरूम दिए गए हैं और एक बेडरूम ये सामने दिया गया है। ब्यूटीफुल वॉल पे डिज़ाइनिंग की गई है, वुडन के साथ हैंगिंग लाइट्स दी गई हैं। सामने आपको विंडो नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको एसी नज़र आ रहा है। ये इस घर का ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट बेडरूम है और ये इसका अटैच बाथरूम। ब्यूटीफुल वैनिटी यूज़ की गई है जिसके ऊपर बहुत खूबसूरत मिरर दिया गया है। ये सामने वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है और ये शावर केबिन दिया गया है। और यहाँ पे आप देखें तो ये वार्डरोब दी गई हैं। और अब देखते हैं इसका नेक्स्ट बेडरूम। वो लॉबी में लेफ्ट राइट दो बेडरूम दिए गए हैं। सो ये राइट साइड पे भी एक बेडरूम दिया गया है जिसमें स्पेनिश टाइल फ्लोरिंग की गई है। सामने आप देखें तो डबल ग्लेज विंडो दी गई है और वॉल में प्लांटिंग की गई है। यहाँ पे आप देखें तो वॉलपेपर से डिज़ाइनिंग की गई है, डिसेंट सीलिंग की गई है, एसी आपको नज़र आ रहा है। और ये इसका अटैच बाथरूम, ये इसके सामने बहुत ही खूबसूरत वैनिटी मिरर फिक्स किया गया है। और यहाँ पे देखें तो ये शावर कैबिन, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फ्लैश वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है। और इस साइड पे आप देखें तो टॉप तक वार्डरोब दी गई है। और अब देखते हैं ग्राउंड फ्लोर का थर्ड बेडरूम। इस बेडरूम के बिल्कुल अपोजिट है, इसमें भी सेम इंटीरियर किया गया है वॉलपेपर से और सेम टाइल से डिज़ाइनिंग की गई है। ये इसकी बेड वॉल है, डिसेंट इसमें सीलिंग की गई है, एसी आपको नज़र आ रहा है, विंडो भी दी गई है। और ये सामने दिया गया है इसका अटैच बाथरूम। वार्डरोब सेपरेट की गई है, मिरर शेप में इनका फ्रंट दिया गया है। और ये आप देखें तो अटैच बाथरूम, ब्यूटीफुल टाइल से डिज़ाइनिंग की गई है, ये वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है। और ये सामने ये शावर, और ये इसका ब्यूटीफुल मिरर, डिसेंट वैनिटी। ग्राउंड फ्लोर पे तीन बेडरूम दिए गए हैं, तीनों बेडरूम अटैच बाथरूम के साथ। एक इसमें ग्राउंड फ्लोर पे किचन दिया गया है शेफ किचन के साथ, और ये इसका टीवी लॉन, और साथ में ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम दिए गए हैं। ये मेन घर की लॉबी और फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस सेपरेट की गई है। ये स्टेयर आपको कनेक्ट करती हैं फर्स्ट फ्लोर से। स्टेयर पे ग्रेनाइट यूज़ किया गया है, डिसेंट वॉलपेपर यूज़ किया गया है। और अब देखते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर। ये फर्स्ट फ्लोर की लॉबी, सामने वॉलपेपर दिया गया है, और ये सामने आपको एक डोर नज़र आ रहा है। ये फ्रंट टेरेस का है, और ये स्टेयर जो कि घर की ममटी से छत तक कनेक्टिविटी के लिए दी गई हैं। और ये सामने दिया गया है टीवी लॉन्च। फर्स्ट फ्लोर का लेआउट प्लान, जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं सामने टीवी लॉन्च दिया गया है। टीवी लॉन्च के बैक साइड पे प्रॉपर बड़े साइज का किचन दिया गया है, किचन के साथ। उस किचन के बिल्कुल सामने स्टोर और बैक साइड पे दो बेडरूम दिए गए हैं। टीवी लॉन्च के सामने ये सेंट्रल टेरेस दिया गया है, और ये एक बेडरूम सेपरेट किया गया है, फ्रंट पे दिया गया है। इसे आप एज ए गेस्ट बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया गया है, सामने आप वॉल पे देखें, वॉलपेपर से डिज़ाइनिंग की गई है। और ये देखें सामने विंडो, डिसेंट इसमें सीलिंग की गई है, एसी इंस्टॉल किया गया है। और अब देखते हैं इसका अटैच बाथरूम। ये सामने आप देखें इसमें वैनिटी फिक्स की गई है, और जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत मिरर दिया गया है। ऊपर देखें तो बहुत डिसेंट इसमें सीलिंग की गई है। और ये सामने दिया गया है रेन शावर केबल, पीछे डिसेंट वॉल से टाइल से डिज़ाइनिंग की गई है।
ये वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है और यहाँ पे दी गई है ये वार्डरोब दी गई है। ये इस घर का फोर्थ बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट बेडरूम, जिस पे एक साइड पे सेंट्रल टेरेस से भी एक्सेस दी गई है। और आप देखते हैं ये इस घर का टीवी लाउंज, ब्यूटीफुल वॉल से डिज़ाइनिंग की गई है। सामने आप देखें तो ये आपको विंडो नज़र आ रही है, एसी नज़र आ रहा है, डिसेंट सीलिंग की गई है, ब्यूटीफुल इसमें शैंडेलियर ड्रॉप किया गया है। और ये सामने आप देखें तो ये इस घर का सेंट्रल टेरेस है। ये वॉल देखें बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन की गई है, आप देख सकते हैं। सामने भी बहुत ही डिसेंट इसमें स्टोन वर्क किया हुआ है। और अब देखते हैं इस घर के बेडरूम। सामने एक बेडरूम दिया गया है, राइट साइड पे भी एक बेडरूम दिया गया है। और ये इस घर का स्टोर दिया गया है, बहुत ही अच्छा साइज़ का, काफ़ी बड़े साइज़ का स्टोर दिया गया है। और इसके बिल्कुल ही सामने लॉबी में यहाँ पे आपको ये किचन मिलता है, जिसमें काफ़ी अच्छी स्टोरेज दी गई है। सामने आपको विंडो नज़र आ रही है। और यहाँ पे इसके साथ में ये शेफ़ किचन दिया गया है। इस साइड पे देखें तो ये सिंक दिया गया है, साथ में आपको विंडो नज़र आ रही है, ब्लाइंडर दिए गए हैं। और यहाँ पे आप कुकिंग कर सकते हैं। ये डाइनिंग एरिया, साथ में इसके फ्रिज दिया गया है। और अब देखते हैं इसके बेडरूम। ये एक बेडरूम दिया गया है जिसमें बहुत ही डिसेंट वॉलपेपर से इंटीरियर किया गया है, स्पेनिश स्टाइल फ्लोरिंग की गई है। सामने आपको विंडो नज़र आ रही है, एसी इंस्टॉल किया गया है। और इसके साथ में अब देखते हैं इसका अटैच बाथरूम, जिसमें स्टार्ट में ही वॉक इन क्लोजेट दी गई है। और ये इसका अटैच बाथरूम, ब्यूटीफुल वैनिटी यूज़ की गई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो ये शावर कैबिन, वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है, खूबसूरत नेश दी गई है, वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, शावर टॉप में रेन शावर दिया गया है। ये सामने मिरर और ये इसकी खूबसूरत वैनिटी, और ये सामने दी गई है वार्डरोब। और अब देखते हैं इसका लास्ट बेडरूम। ग्राउंड फ्लोर पे तीन बेडरूम दिए गए हैं और फर्स्ट फ्लोर पे भी तीन बेडरूम, एक बेडरूम सेपरेट गेस्ट के यूज़ के लिए फ्रंट पे दिया गया है और दो बेडरूम फैमिली के लिए। ये लास्ट सिक्स्थ बेडरूम, ब्यूटीफुल टाइल से डिज़ाइनिंग की गई है, सेम वॉलपेपर से इंटीरियर किया गया है, वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। और ये सामने एसी, डिसेंट इसमें सीलिंग की गई है। और ये आप देख सकते हैं ये इसकी वार्डरोब, ये आप देख सकते हैं टॉप तक दी गई है। और यहाँ पे आप देखें तो ये इसका अटैच बाथरूम की डिसेंट सीलिंग की गई है। यहाँ पे आप देखें तो ये शावर कैबिन, और ये दिया गया है वॉल माउंटेड कमोड, और ये सामने खूबसूरत इसकी वैनिटी दी गई है, और ये दी गई है इसकी वार्डरोब दी गई है। सो व्यूअर, ये इस घर का टूर था। ये वन कनाल मॉडर्न डबल यूनिट डिज़ाइनर हाउस है, जिसमें तीन बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे और तीन बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे दिए गए हैं। 7.5 करोड़ इस घर की आस्किंग प्राइस है। और इसके अलावा इस घर में दो एक्स्ट्रा फीचर हैं, एक तो ये कि इसकी स्टेयर जो है वो कनेक्ट करती हैं आपको छत के साथ, जिसमें ममटी दी गई है। इसके अलावा इसमें सर्वेंट क्वार्टर्स भी दिए गए हैं, और काफ़ी अच्छी इसकी स्पेस देखें, ये ममटी की स्पेस दी गई है। और इसके अलावा इसमें एक और फीचर कि इसका जो फ्रंट पे एक टेरेस दिया गया है, वो भी बहुत अच्छी सीटिंग है, आप देख सकते हैं। ये इसका फ्रंट टेरेस, यहाँ पे प्लांटिंग की गई है, ये आप देखें ये टैप दिया गया है, और ये इसका फ्रंट टेरेस। सो व्यूअर, ये तो इस घर का टूर था। अगर आपको पसंद आए तो विज़िट करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें। अनटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।